आज समाजवादी पार्टी का नौवां राज्य अधिवेशन है। इस अधिवेशन में मुझे राजनैतिक आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मौका माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा दिया गया है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं और मंच पे बैठे समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव उपाध्यक्ष और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी का भी और राष्ट्रीय कार्य समिति से लेकर प्रदेश के आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद और आभार और स्वागत करता हूं। 5 वर्ष के अंतराल के बाद आज हम फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमाबाई मैदान में मिल रहे हैं। इस अवध में गोमती नदी में बहुत पानी बह गया। राजनीति ने छल बल भय भ्रष्टाचार के नए नए रंग देखे, सत्ता लालसा में लोकतंत्र का मजाक बनते देखा और जनता के विश्वास के साथ धोखाधड़ी भी हुई। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017-2022 के विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना भरपूर समर्थन और विश्वास व्यक्त किया था, परंतु नतीजे अपेक्षा अनुकूल नहीं रहे। सन 2022 में हर तरफ श्री अखिलेश यादव जी की लहर थी, समाजवादी पार्टी पर गहरा विश्वास जताया जा रहा था। हम सत्ता में नहीं आए फिर भी कड़े मुकाबले में पिछले प्रदर्शन की तुलना में दुगने से भी ज्यादा संख्या में हमारे 111 विधायक जीते और समाजवादी पार्टी को लगभग 3 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया। पार्टी के वोट प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जो दल हमारे सहयोगी थे उनके भी सदस्यों ने जीत दर्ज की। दरअसल भाजपा ने दो वर्ष 2021 में हुए पंचायत स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद सदस्यों के चुनाव में जो धांधली की वह विधानसभा चुनाव का रिहर्सल था। इन चुनावों में विपक्ष के प्रत्याशियों को नामांकन पत्रों की खुली लूट हुई। प्रशासन का पूरा दुरुपयोग करते हुए थाना पुलिस तहसील से मतदाताओं को डराया धमकाया गया। कई स्थानों पर समाजवादी पार्टी को नामांकन नहीं करने दिया गया, निर्विरोध निर्वाचित का नाटक किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को डराने के लिए उनके घर बुलडोजर भेजे गए। भाजपा विपक्ष मुक्त और अपना एकाधिकार शासन उत्तर प्रदेश पर लादना चाहती है। लोकतंत्र में भाजपा का यह आचरण खतरे की घंटी है। दुख इस बात का है कि लोग जनतंत्र की पवित्रता और स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में उदासीन बना रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के रवैये ने पक्षपात की सभी हदें पार कर दी। सन 2022 के चुनाव में भाजपा धांधली करने से बाज नहीं आई, लाखों समाजवादी समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया गया या उनके नाम मतदाता सूची से साजिश के तहत काट दिए गए। पोस्टल बैलेट की के जीत को हार में बदला गया। प्रशासन की भूमिका पूरी तरह सत्ता दल के एजेंट की रही। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया गया। अंधेर नगरी चौपट राज की कहावत का सही उदाहरण देखना हो तो उत्तर प्रदेश में भाजपा राज ही याद आता है। कहने को यह डबल इंजन सरकार है पर इसके दो पहिए अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। इंजन अलग अलग खड़ा शोर मचाता रहता है। दो इंजन की सरकार का अर्थ है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर उत्तर प्रदेश की सरकार चलाते हैं, यह सरासर असंवैधानिक है। भाजपा एक ओर जहां सभी के सिर पर छत देने की बात करती है वहीं मुख्यमंत्री जी बुलडोजर से लोगों के घर गिरवा रहे हैं। बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की होती है परंतु प्रदेश में बेटियों महिलाओं से जब थाने तक में दुष्कर्म हो तब सोचिए किसी पीड़िता को कहां न्याय मिलेगा। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार 5 साल का कार्यकाल बिना कोई काम किए
सिर्फ समाजवादी सरकार के कामों का उद्घाटन करने और